अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे ये क्वेश्चन, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। रूट 1.60 सही है ना, माइनस रूट 0.01। अब ये पॉइंट्स हैं और रूट है, तो हम इसको कैसे ख़त्म करेंगे आज ये सीखेंगे। उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले आप कोशिश करें कि किसी तरीके से ये पॉइंट्स ख़त्म करें, ठीक है। जहाँ पॉइंट है उसकी जगह वन, आगे जितने डिजिट हैं उतने जीरोस, तो ये हो गया हमारा पॉइंट ख़त्म। माइनस 0.01, पॉइंट की जगह वन, आगे जितने डिजिट हैं उतने जीरोस, तो ये हो गया पॉइंट ख़त्म। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया 169/100 माइनस 1/100, ठीक है। 169 किसका रूट है, चलो निकाल लेते हैं, 3 से ट्राई करते हैं। 3 5 15, तो ये 3 से नहीं जा रहा है, एक्चुअली ये है 13 का। 13 मल्टीप्लाई बाई 13 क्या होता है, 169। और 100 किसका होता है, 100 होता है 10 मल्टीप्लाई बाई 10 का, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ, 13 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर, इसी तरीके से इसको भी 1 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 13/10 होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको भी 1/10 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, स्क्वायर और रूट काट देते हैं, ठीक है। बचा कितना, 13/10 माइनस 1/10, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 10 एलसीएम ले लेते हैं, इसका 13 आएगा माइनस 10। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 12/10, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 5 10, 2 6 12, कितना आया, 6/5। आपकी क्वेश्चन, जबकि जबकि हमें क्वेश्चन जो है ना वो पॉइंट्स में है, तो आंसर भी हमें पॉइंट्स में ही देना पड़ेगा, ठीक है। 1 से करते हैं 5 1, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ 2 10, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, 1.2 आंसर। तो ऐसे रूट के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है जी।